गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। मास्क लगा के रखना, घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलना। और इन क्लीशे लाइंस के बाद में हम आज शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। काफी डिटेल लेक्चर होने वाला है, तो जस्ट हैव योर नोटबुक्स विद यू, बी रेडी विद योर पेन, और फटाफट से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और फटाफट से इस टॉपिक को समझते हुए आराम से सब चीजें। वी गोना एंड द टॉपिक। What is this? This glycolysis is very first breakdown. Breakdown of what? Breakdown of glucose. So yesterday we have studied four particular steps in the aerobic respiration, and these were first glycolysis. The second step in this regard was the link reaction. Third was Krebs cycle, and fourth was ETC, electron transport chain, or it was oxidative phosphorylation. So, very first of all, we have इसी तरीके से लिंक रिएक्शन जो है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। फर्स्ट वी आर गोना स्टडी द ग्लाइकोलाइसिस। इट इज नोन, आल्सो नोन एज द सेकंड नेम ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज एम्प्टन मेयरहॉफ पाथवे। इट इज एम्प्टन मेयरहॉफ पाथवे एंड लोकेशन कहां पर होता है? इट इज ऑलवेज बीइंग कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म। कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और वहां पर जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी? तो देखिए, व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हम डिटेल से करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसमें क्या चाहिए होता है? इनपुट चाहिए होती है, आउटपुट चाहिए होती है, उसकी लोकेशन चाहिए होती है, और फिर उसके बाद में एक चीज चाहिए होती है कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, व्हाट व्हाई वेयर एंड हाउ। क्लियर? तो व्हाट breakdown of glucose, why to provide energy and to start the next cycle, okay, for providing the initial product for next cycle, where in the cytoplasm, how, to wo sare 10 steps mein complete hogi. Sabse pehle dekhte hain iski inputs, aur input kya kya hoti hain. Starting of glycolysis is always with glucose. Apart from that, it also needs टू एटीपी एज इनपुट। आउटपुट में भी एटीपी आता है, बट वो अलग केस है। इनपुट के लिए हमें एटीपी भी चाहिए। एंड व्हाट एल्स वी नीड? वी नीड एंजाइम्स। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हमें चाहिए इनपुट के लिए। तो आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? द केसेस फॉर आउटपुट आर वन, pyruvate, which is the precursor of next Krebs cycle. Second we have is 4 ATP, 4 ATP bar aa rahe hain, plus 2 NADH positive. Output hame kya milta hai? Pyruvate, 4 ATP aur 2 NADH positive. Clear with this? Ye hota hai hamare paas output. Aur isme kya hai? Intermediate, yani by product jo hai ek kisi particular step pe dusri प्रोसेस के साथ भी एड अप होता है। लेट्स सी फटाफट से क्या कंडीशंस रहेंगे इसमें। स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर नो ट्रिक्स टू लर्न एनीथिंग। अगर आपको कोई चीज समझ में आती है तो याद होगी। ट्रिक्स किसी चीज की नहीं होती। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग साइंस, और साइंस में कभी भी ट्रिक्स नहीं होती। सो डू नॉट, इफ यू आर ऑन दिस इन दिस वीडियो कि आप ट्रिक्स देखना चाहते हैं, देयर आर नो ट्रिक्स। पर्टिकुलरली आपको कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट समझने के लिए देखिए, सबसे पहले होता है ग्लूकोज। नाउ दिस ग्लूकोज, अभी नॉट, इफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच मीन्स देयर मस्ट बी डन, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए इस ग्लूकोज के साथ। एंड दिस ग्लूकोज इज वेरी फर्स्ट चेंज्ड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
will always mean phosphate in this condition. लिख रहना पड़े, थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम ना आए इस वजह से. अब अगर यहां पर 6 फॉस्फेट यानी छठी पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच हो रहा है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. 6P means there is attachment of one phosphate on sixth position. Clear with this? On sixth position. So, use of, अब phosphate इसको अगर मिल रहा है तो किससे मिलेगा? एक ADATP and this ATP is providing its third phosphate to this glucose and बाहर क्या निकलेगा? अगर इसने एक अपना एटीपी दे दिया तो बाहर निकलेगा एडिनोसिन डाइफोस्फेट. क्लियर दिस? नाउ इफ इट इज अ डाइफोस्फेट कंडीशन, यानी एटीपी अगर ऐड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ हुआ होगा ना, कोई ना कोई एंजाइम भी इसे मीडिएट कर रहा है. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज हेक्सोकाइनेज एंड एक्टिवेटर ऑफ दिस एंजाइम, को फैक्टर फॉर दिस एंजाइम इज Mg2 पॉजिटिव. जितने भी एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस में आते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कोफैक्टर्ड बाय Mg2 पॉजिटिव. क्लियर विद दिस? इट इज अ डाइवेलेंट कैटायन. नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इज ऑफ चेंजिंग दिस ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज एंड बोथ ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स टू ईच अदर. यानी फ्रक्टोज भी कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है. सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इट इज चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. द प्रोसेस इज नोन एज आइसोमराइजेशन. क्लियर विद दिस? देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और एनएडीएच, बट इट इज चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, इसका लिए भी क्या है? Mg2 पॉजिटिव इज द कोफैक्टर. देन वी हैव दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मस्ट बी अगेन एडेड विद वन मोर एटीपी. इट विल बी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, जिसका मतलब अभी अगर 6 फॉस्फेट का मतलब है छठी पोजीशन पे कार्बन के, छठी कार्बन पे फॉस्फेट का एडिशन, तो 1,6 क्या होगा? ऑलवेज द एडिशन ऑफ ऑन टू द फर्स्ट कार्बन एंड 6th कार्बन. अभी अगर एक एडिशनल फॉस्फेट इधर जुड़ रहा है, इट मींस दिस विल यूज वन मोर एटीपी एंड एटीपी प्रोवाइडिंग इज फॉस्फेट, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू एडीपी. क्लियर दिस? दिस enzyme is enzyme for this condition is phosphofructokinase. Now you can see whenever we are adding phosphate, the word used is kinase. ठीक है, वो क्या word use हो रहा है? Kinase word use हो रहा है. Hexo means 6 carbon. Clear with this? Hexo means 6 carbon. If hexokinase is there, which means kinase means addition of phosphate, hexo means 6 carbon. कि ये hexokinase क्या करता है छठी position पे? आपको नहीं पता, यहां से नहीं पता चल रहा छठी position पे क्या हो रहा है, but still it is adding a one phosphate with 6 carbon chain. Clear with this? Next we have is fructose 6 phosphate. So फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. नाउ वी वर ऑलरेडी हैविंग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी एक फ्रक्टोज के साथ छठी पोजीशन पे पहले से एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और फॉस्फोफ्रक्टो. सो इट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. काइनेज अगेन इज एडिशन ऑफ वन फॉस्फेट. क्लियर विद दिस? दिस विल मेक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. आपको सिर्फ दो ही स्टेप याद रखने पड़े, एंजाइम से प्रोसेस याद कर लो या प्रोसेस से एंजाइम याद कर लो, वो आपके ऊपर है. सीरीज में अगर एंजाइम्स को याद कर लोगे तो एंजाइम का नाम देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो क्या कर रहा है. प्लस आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. अभी हेक्सोकाइनेज की अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस के अलावा कहीं बात करता हूं तो वो यहां थोड़ी ऐड हो सकता है. क्लियर ना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दिस इज नाउ चेंज इन टू ग्लिसरेल्डिहाइड GA3P.
अगर मैं इसे बोल देता हूं ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, या इसका एक नाम और हो सकता है, इट इज पी गैल, फोस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड पी गैल, इसका एक और नाम होता है क्या, पी गैल। नाउ सी, थोड़ी सी इसकी वो बता देता हूं मैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, इट इज ऑलवेज ऑफ थ्री कार्बन। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, छोड़ दीजिए, एक बिसफॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 कार्बन का था, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू जीएपी विच इज ऑफ 3 कार्बन, दिस मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर ऑफ जीएपी आर रिलीज, देयर आर 2, ओके, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जीएपी आर रिलीज और पी गैल इज रिलीज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इनटू 2, क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। अब 6 कार्बन से तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, काइनेसिस, अब अगर काइनेसिस हो रही है तो इसको कौन ब्रेक डाउन करता है, ये आपके लिए रहेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दिस फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट इनटू पी गैल, कमेंट्स में फटाफट मुझे बता देना, कुछ भी यूज कर सकते हो बट आपको याद होना चाहिए। नाउ दिस पी गैल और दिस जीएपी इज इंटरचेंज्ड, ओके, दिस इज इंटरचेंज्ड विथ, फुल फॉर्म लिखते जाना, मैं थोड़ा सा छोटा करने के लिए सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, डी एच ए पी, पी इज ऑलवेज फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, डी एच ए पी, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, और ये यहां से डायरेक्ट भी बन सकता है, इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा एल्डोलेज, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज एल्डोलेज, अब डीएचएपी भी जो है 3 कार्बन का होता है, क्लियर विद दिस, और अगर ये जीएपी यानी पी गैल से बन रहा है तो इट इज आइसोमराइजेशन, ठीक है, ये यहां से यहां भी जा सकता है डायरेक्ट, और जीएपी से ये डीएचएपी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि इंटरमीडिएट कोई भी प्रोडक्ट होता है, इंटरमीडिएट कोई भी चीज, कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो किसी दूसरे प्रोसेस में एंटर हो सकता है, तो यहां पर ये वही काम है, फोर्थ पोजीशन यानी फोर्थ प्रोसेस के बाद में, फोर्थ प्रोसेस के बाद में, ठीक है, क्या हो रहा है, ये डीएचएपी फैट ऑक्सीडेशन के लिए, सॉरी फैट एनाबोलिज्म के लिए, दिस कैन मूव इनटू फैट एनाबोलिज्म, यानी अभी फिलहाल हमें फैट की फॉर्मेशन करनी है, एनाबोलिक एक्टिविटी से फैट को फॉर्म करना है, तो ये फैट एनाबोलिज्म के लिए डीएचएपी चला जाएगा, और अगर फैट ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हमने एम्फीबॉलिक पाथवे में भी पढ़ा था, अगर फैट ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहां से डीएचएपी आता है, ठीक है, अगर ग्लूकोज से फैट की फॉर्मेशन करनी है, कार्बोहाइड्रेट से फैट की फॉर्मेशन करनी है तो प्रोसेस रहेगा ये, और अगर फैट से एनर्जी चाहिए तो प्रोसेस रहेगा ये, समझ गए, यानी फैट ऑक्सीडेशन से डीएचएपी बनता है, पी गैल में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में आगे चला जाता है। अगर फैट की फॉर्मेशन करनी है तो ग्लूकोज जो है वो गैप में कन्वर्ट होता है, धाप में, गप और धाप, धाप जो है वो फैट एनाबोलिज्म के लिए चला जाता है। नाउ दिस प्रोसेस इज इंटरमीडिएट कनेक्शन विद फैट ऑक्सीडेशन एंड एनाबोलिज्म, दोनों ही प्रोसेस में, ठीक है जी। अब हमारे पास बन चुका है जी ए थ्री पी यानी पी गैल, और इससे बनेगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, इससे बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड,
1,3-bisphosphoglycerate. अब अगर यहां पे एक कार्बन प्रेजेंट था, इफ देयर वॉज ओनली वन कार्बन प्रेजेंट विथ दिस ग्लिसरेल्डिहाइड, तो दूसरा कार्बन कहां से आया? फर्स्ट पोजिशन के कार्बन पे फॉस्फेट कहां से आया? अब इसके लिए भी हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस इज यूजिंग फॉस्फेट इनऑर्गेनिक एंड यूजिंग एनएडी पॉजिटिव. एनएडी पॉजिटिव यूज हो रहा है, प्रोडक्शन किसकी हो रही है? एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव, जिसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम समथिंग इज नोन एज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम समथिंग इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन. नाउ अभी इन चार की बात कर लेते एक बार दोबारा से. ये चारों जो फेज हैं इनके बोलते हैं एक्सपेंसिव फेज, यानी इसके अंदर एक एटीपी यूज हो गया और दूसरा एटीपी, यानी दो एटीपी का खर्चा हो चुका है ऑलरेडी. एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज ऑलवेज नोन एज फॉस्फोराइलेशन कैरिड आउट बाय काइनेज एंजाइम. दिस इज फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, दिस इज सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, जहां पर 6-फॉस्फेट से 1,6-bisphosphate बन रहा था. अब इसके बाद यहां एक और फॉस्फोराइलेशन होती है. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्लियर विद दिस? Now this 1,3-bisphosphoglycerate plus oxidation. Yes, it is also oxidation. यानी ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहां पे और इसके साथ साथ फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है. क्लियर विद दिस? अब फिर से एक अब शुरू हो गया हमारे पास पे ऑफ फेज. यानी ये कौन सा फेज? अब तक क्या एक्सपेंस हो रहा था, खर्चा हो रहा था, अब ये शुरू होता है हमारे पास यहां से एक्सपेंस फेज, जिसका मतलब एक एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव हमें मिल गया, दूसरा अगले ही प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगा? एडीपी गिव राइज टू एटीपी, यानी एक फॉस्फेट यहां से निकल जाता है. क्लियर विद दिस? एंड द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय सेम दिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये क्या कर रहा है? फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है. वहां क्या हो रहा था? ऐड कर रहा था, यहां पर रिमूवल, यानी दूसरा प्रोसेस हमने देख लिया. फॉस्फेट का एडिशन और रिमूवल दोनों ही कौन करवाते हैं? काइनेज एंजाइम करवाते हैं. ठीक है जी, बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, ये हो जाता है चेंज थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट में. 1,3 था यानी फर्स्ट पोजीशन का जो जो फॉस्फेट है वो चला गया कहां से? एडीपी से, एटीपी की फॉर्मेशन में, और ये बन गया क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरेट. 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में कंडीशन आती है आइसोमराइजेशन की. फिर से इसका आइसोमराइजेशन होगा. This isomerization will lead to isomerization. You can say modification. You can say changing the bonds of phosphate. It is 2-phosphoglycerate. किसमें चेंज हो गया? 2-phosphoglycerate में. अभी तक क्या था? 3-phosphoglycerate में. अब इसके बाद क्या? इसके लिए भी एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा ना. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज. फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, या इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज. ठीक है, दोनों ही कंडीशंस फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज.
टू फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट होने के बाद अगला प्रोसेस इसके अंदर आता है एक और, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडिशन ऑफ इनोल कैरिड आउट बाय विच वन, इनोलेज, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज इनोलेज, एंड अगर इसमें इनोल एड हो जाता है देन दिस इनोल विल चेंज इंटू टू फॉस्फो इनोल पाइरुवेट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमने यहां से शुरू किया था फॉर्मेशन मतलब काइनेसिस हुई थी, तो ये जो दो मॉलिक्यूल बने थे इन्हें ये कंटिन्यूअसली यहां यही चल रहा है. इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दो मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, इसके भी कितने? दो मॉलिक्यूल्स हैं. ये भी कितने हैं? टू मॉलिक्यूल्स हैं. ये भी कितने हैं? टू मॉलिक्यूल्स हैं. और ये भी क्या है? टू मॉलिक्यूल्स हैं. तो अभी एक चीज याद रखना, अगर यहां पर एक एटीपी आपको निकलता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली इट इज टू एटीपी फॉर्मिंग, टू एटीपी फॉर्मिंग टू एटीपी, यानी एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी चेंजिंग इंटू एटीपी एंड सेकेंड मॉलिक्यूल से सेकेंड एटीपी चेंजिंग इंटू एटीपी. क्लियर विद दिस? अभी तक इसके पास फॉस्फो इनोल पाइरुवेट के पास एक फॉस्फेट ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है. नाउ दिस फॉस्फेट विल ऑल्सो बी रिलीज आउट, इसे भी क्या है? रिलीज करना पड़ेगा. और अगर हम इसे रिलीज करते हैं तो इट इज फाइनली कन्वर्टेड इंटू पाइरुवेट. इट इज फाइनली कन्वर्टेड इंटू पाइरुवेट. कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट के. छह कार्बन से शुरू हुए थे, तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पाइरुवेट के. इसके लिए यहां एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है. द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज विल मेक टू फॉस्फो इनोल पाइरुवेट इंटू पाइरुवेट एंड रिलीज ऑफ टू एटीपी. यानी यहां पर भी क्या होते हैं? दो एटीपी रिलीज होते हैं. किधर? इस प्रोसेस में. अलग से लिख रहा हूं इसको, एडीपी चेंजिंग इंटू एटीपी, एडीपी चेंजिंग इंटू एटीपी. ठीक है जी, अब यहां से दो एटीपी हमें मिल गए. क्लियर विद दिस? अभी यहां एक चीज रहती है, फॉस्फोग्लिसराइड से जब ये इनोल पाइरुवेट में चेंज होगा तो यहां से एक H2O निकलता है, वॉटर इज मूव्ड आउट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक है, इतना क्लियर है? यानी अब हमारे पास क्या बन चुका है? दो मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं. किसके? पाइरुवेट के. और छोटी सी अगर हम बात करें, वैसे तो मैं बैलेंस शीट जो है कंप्लीट रेस्पिरेशन की एट द एंड करवाऊंगा, बट इसमें अगर आप बात करेंगे तो कितने एटीपी यूज हुए थे? वन एटीपी इन द फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड एटीपी इन द सेकेंड फॉस्फोराइलेशन, आफ्टर विच देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, यानी एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हुई है, बट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन टू फॉस्फेट इनऑर्गेनिक टू एंड टू, टू फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, वन फॉर ईच मॉलिक्यूल, वन फॉर ईच मॉलिक्यूल एड हुए थे. हाइड्रोजन रिमूव हुआ था जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुई थी और यहां पर ये NADH plus H positive बना था. तो एक तो हमारे पास एनर्जी करेंसी आ गई ये, दो हमारे पास एटीपी आ गए, और यहां से दो एटीपी और आ गए, यानी यूटिलाइजेशन होता है एक और दो एटीपी का. ठीक है, और हमें मिलता क्या है? यूटिलाइजेशन होता है दो स्टेप्स पे, रिवर्ट बैक यानी पे ऑफ होता है तीन स्टेप्स पे. एक पे होते हैं दो एनएडीपी, एक पे मिलता है हमें दो एटीपी, और एक पे मिलते हैं हमें दो एटीपी. अगर हम इसको फाइनल करके सिर्फ इस तरह से देख लेंगे, थोड़ा सा मिटा सकता हूं क्या यहां से? ठीक है,
अगर हम इसको देखेंगे फाइनली, तो माइनस में हम कितना जा रहे थे, हम जा रहे थे 2 एटीपी माइनस में ऑन स्टेप नंबर 1 एंड ऑन स्टेप नंबर 3, ठीक है। माइनस में हम 2 एटीपी चले गए, प्लस में हमें क्या मिला, प्लस में हमें मिलता है NADH प्लस H पॉजिटिव, हाउ मेनी, देयर वर 2। प्लस इसके बाद अगला क्या है, इस स्टेप पे हमें क्या मिलता है, प्लस एटीपी, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। और फिर इस स्टेप पे यानी सेकंड लास्ट स्टेप पे हमें क्या मिलता है, प्लस एटीपी, कितने, 2। यहां पर 2 एटीपी यूज हो रहे थे फर्स्ट एंड थर्ड में, और मिलता हमें क्या है ये। तो फाइनल बैलेंस शीट अगर मैं इन 2 एटीपी को इससे काट देता हूं, तो व्हाट आई गेट इज 2 एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव एंड 2 एटीपी। यानी ये क्या है, फाइनल बैलेंस शीट है सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की, नेट प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, नेट प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो अगर हम कर लेते हैं कंपनसेट इस ATP को उस ATP के साथ और इस ATP को नीचे वाले ATP के साथ, तो ये जो 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक थे, इन्होंने हमारी हेल्प कर दी 2 एक्स्ट्रा ATP फॉर्मेशन के लिए। क्लियर विद दिस। अब इसका होता है रिड्यूसिंग पावर, और अगर इक्विवेलेंट करते हैं, अगर मैं NADH प्लस H पॉजिटिव को इक्विवेलेंट करता हूं, तो NADH प्लस H पॉजिटिव इक्वल होता है 3 ATP के, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम देखेंगे या आगे क्रैब साइकिल आएगी उसमें, तो हम जब भी देखते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव को 3 ATP के इक्विवेलेंट माना जाता है फॉर स्टडी पर्पज ओनली। एक्चुअली इट इज 2.5, ठीक है। एक्चुअली कितना होता है, 2.5। तो हमें अगर मतलब राउंड फिगर्स में देखें, तो हमें 5 एटीपी मिल जाते हैं एक ग्लाइकोलाइसिस से, या एग्जैक्ट देखें तो हमें एक मिलता है NADH एस पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के। एंड दिस इज द फाइनल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कहां पर हो रहा था ये प्रोसेस, हो रहा था इन द साइटोप्लाज्म। अभी जो ये पाइरुवेट है, दिस पाइरुवेट मूव अप ऑन टू समथिंग आफ्टर चेंजिंग इन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो है लिंक रिएक्शन। सो नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में, यानी पाइरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कैसे चेंज होता है, और फिर वो किस तरह से क्रैब साइकिल को शुरू करता है, प्लस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में भी कुछ और देख लेंगे, या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट वाज मी विजय एंड यू आर ऑन टू बायोलॉजी सेंट्रल। फटाफट से सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।